देश में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन किसी न किसी शहर में कुत्तों के हमले की खबरें सामने आती रहती है। ताजा मामला तेलंगाना का है। यहाँ रविवार को एक 4 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुत्तों का हमला इतना भयानक था कि उन्होंने बच्चे का पेट भी फाड़ दिया। हमले के तुरंत बाद बच्चे को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा सड़क पर टहल रहा है, तभी 3 कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं और उस पर हमला करते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं। कुत्ते उस पर हावी हो जाते हैं और उसे खींचकर एक कोने में ले जाते हैं, जहां बच्चे की मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि बच्चे का नाम प्रदीप है और उसके पिता एक चौकीदार का काम करते हैं। घटना निजामाबाद की है। इस घटना ने आवारा कुत्तों के खतरों पर बहस फिर से शुरू कर दी है। कई लोग आवारा कुत्तों पर अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शनिवार को आवारा कुत्तों ने एक 7 साल के बच्चे को काट लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस अध्यक्ष सूरज राय ने कहा कि कान्हा नाम का लड़का बिलासपुर गांव में अपने घर के पिछवाड़े में खेल रहा था, तभी आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। लड़के के परिवार के सदस्यों ने कहा कि आवारा कुत्ते कान्हा को काटते रहे और जब तक ग्रामीण उसे बचाने आते, लड़के का काफी खून बह चुका था। इसके बाद ग्रामीणों ने कुत्ते को भगाया और कान्हा को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।